अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देखो है? थाना औद्योगिक क्षेत्र का मामला है और दिनांक 30/1/2021 को शाम के 7:30 बजे लेबर कॉलोनी चौराहा बालगढ़ में फरियादी अंजलि बाई और उसके पुत्र विजय के साथ ये आरोपीगण कालू उर्फ माधव, अश्विन, अशोक मांडलिक, चेतन उर्फ शनि और घुंगरा पिता भीम मेणा, इन चारों ने गाली गलौज करी और इनको घेर कर मारापीटी करी। उसके अंजलि के पुत्र विजय के साथ बहुत मारापीटी करी जिसमें उनको घेरा और घेर कर मारपीट करी, जिसमें कालू और माधव, चेतन और फिर शनि ने अपनी जेब से चाकू निकाला और चाकू से उसके पेट में बहुत सारे वार किए। और दो जो अन्य आरोपी थे अश्विन और घुगरा, उन्होंने भी डंडे से और सभी ने मारपीट करी थी, उसको घेर कर खूब मारा था, जिससे इस मारपीट में विजय की मृत्यु हो गई थी। अस्पताल लेकर गए थे उसको और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें से थाने ने अपराध धारा मतलब 307, 341, 323, 294, 506, 334 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोनम पटेल के यहाँ प्रकरण चला था। लगभग 2 साल चला था, उसमें कम से कम 20 गवाह हुए थे लगभग, और उसमें आज फैसला आया है, जिसमें उस फैसले में चारों आरोपी कालू उर्फ माधव, चेतन उर्फ शनि, सनी उर्फ घुंगरा और अश्विन को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड हुआ है। मैडम, ये जो घटना स्थल कहाँ पे था जहाँ पे ये घटना घटी थी? ये घटना लेबर कॉलोनी बालगढ़। आपका पद? ये मैं श्रीमती जयंती पुरानी, प्रभारी लोक अभियोजक, प्रभारी जीपी।